माई सेल्फ डॉक्टर जेड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो इन टूडेज वीडियो विल सी हाउ टू यूज दिस फिल्म होल्डर ऑल्सो नोन एज स्नैप रे और इजी ग्रिप फिल्म होल्डर इन द वीडियो विल सी द बेसिक्स ऑफ द फिल्म प्लेसमेंट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि uh, फिल्म को कैसे प्लेस करते हैं ठीक है चेके? उसके ऊपर फिल्म की कुछ मार्किंग्स होती है और आइडल प्रिकॉशंस क्या है और फिर हम देखेंगे इसके फिल्म होल्डर के पार्ट्स एंड उसको कैसे यूज़ करते हैं टाइपो पे डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी मैं तो सबसे पहली जो बात है ओके ये हमारा आयोपिया फिल्म है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ठीक है चीके? इसके ऊपर आपको यहाँ इस साइड पर एक ये देखो ऐसे यहाँ पर आपको ये दिखा उभरा हुआ इसको बोलते हैं एम्बॉस डॉट अब जब भी कोई पेशेंट स्टार्ट करने से पहले आप ये एमबॉस डॉट मार्क करते हो ठीक है और ये जो वाइट सरफेस है इसको हम हमेशा ट्यूब के साइड रखते हैं और ये जो पीछे का सरफेस है इसको हम हमेशा लिंगबली रखते हैं तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हो कि ये फिल्म की जो फिल्म पैकेट है इसका ये टंग है एनवेलप का एंड फिल्म की टंग शुड बी प्लेस टुवर्ड्स द टंग ऑफ द पेशेंट अब मैंने अक्सर देखा है लोगों को लोग यहाँ पे, पे, पे पेशेंट का नाम लिखते और नंबर लिखते ये हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए ठीक है ये गलत तरीका है क्यों क्योंकि जब हम आ, देखेंगे फिल्म के कंपोनेंट्स यहाँ पे पेपर होता है पेपर के पीछे फिल्म होती है जो फिल्म है उसका इमल्शन ख़राब हो जाता है आइडियली यहाँ पीछे साइड में एक लेट फॉइल होती है तो आपको कभी भी पेशेंट का नाम यहाँ लिखना चाहिए कि एक्स वाई जेड है और उसका टूथ नंबर कंसिडर करो फोर सिक्स है ऐसा लिखना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है अब ये हो गया अब हम देखेंगे पेशेंट के मुंह में इसको कैसे प्लेस करते हैं आईओ फिल्म को तो मैग्जिला के लिए हमेशा जो हमारा ये एम्बॉस डॉट है ये नीचे की तरफ होता है ओके और फिल्म रहती है ऐसी हॉरिजॉन्टल और पोस्टीरियर तीत के लिए मैग्जीले पोस्टीरियर तीत के लिए एम्बॉस डॉट नीचे की तरफ फेसिंग होता है क्योंकि एम्बॉस डॉट हमेशा ऑक्लूजल क्लूजल सर्फेस की तरफ फेस करना चाहिए और पोस्टीरियर तीत के लिए ये होता है हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं हम फिल्म वो भी कहाँ से कहाँ प्री मोलर टू मोलर्स और जब हम कनाइन इन इंसाइज एरिया में करोगे तो हमको फिल्म वर्टिकली इस तरह प्लेस करनी होती है ओके okay. और हमेशा डॉट कहाँ रहेगा ऑक्लूजल सर्फेस की तरफ ठीक है ये आप ऐसे वर्टिकली प्लेस करोगे और जैसे पोस्टीरियर में गए तो फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा अभी देखो मैंडिबल में प्लेस कैसे करेंगे तो जब मैंडिबल में प्लेस करते हो फिर एम्बॉस डॉट ऑक्लूजल सर्फेस की तरफ होगा पोस्टीरियर तीत के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एंड एंटीरियर तीत के लिए ये इस तरह वर्टिकल हो जाएगा ओके okay, और एम्बॉज डॉट कहाँ रहेगा हमेशा फेसिंग टूवर्ड्स द ऑक्लोजल सर्फिस फॉर एग्जाम्पल देखो फिल्म प्लेसमेंट के भी कुछ रूल्स है जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वन सिक्स का लेना है तो आप आ, आगे की भी प्री मोलर्स और पीछे के मोलर्स लोगे ठीक है ये आपको ऐसे प्लेस करना है ऑक्लोजल डॉट मैक्सिलरी तीत है तो ऑक्लोजल सर्फिस की तरफ रहेगा तो कहाँ रहेगा नीचे रहेगा हमको वन सिक्स लेना है एक्सरे में तो वन सिक्स बीच में रहेगा आगे प्री मोलर्स और पीछे के मोलर्स भी हम कंसिड्रेशन में लेंगे क्योंकि अगर समझ लो इसको केरीज है तो हम नॉर्मल के साथ भी तो कुछ कंपेयर करना चाहिए ना ये लीजन वाले टूथ को हम नॉर्मल टूथ के साथ कंपेयर करेंगे एंड फिर अब जो नेक्स्ट चीज़ है कंसिड्रेशन की वो ये है कि ये जो फिल्म की जो बेस है ना जहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जा रहा है आपको दिख रही है रेड मार्किंग ये और टूथ के सर्फेस में ये जो डिस्टेंस है इसका ये 1.5 टू 2 एम mm एम आपको फ्री वे स्पेस देनी चाहिए वहाँ पे ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा ऑक्लोजल सरफेस पकड़ लिया हमको थोड़ी सी स्पेस छोड़नी पड़ेगी ओके अब इतनी भी स्पेस नहीं छोड़नी है कि पेरी पाइकल ना आए ठीक है ठेके? अब देखो जब आप मैगजिला करते हो तो आप कहाँ रखोगे फिल्म पैलेट ठीक है और जब आप मैंडबल में रख रहे हो तो कहाँ रखोगे फिल्म लिंगअली रखोगे ओके अब हम देखेंगे हमारे स्नैप जो है ये फिल्म होल्डर जिसको हम इजी ग्रिप फिल्म होल्डर बोलते हैं इसके पार्ट्स देखेंगे ठीक है ये जो है आप देख रहे हो ये होल्डिंग क्लिप है पोस्टीरियर तीत के लिए और ये बाइट ब्लॉक है पोस्टीरियर तीत के लिए ठीक है ये हें इसका हिंज जो ये हिंज जॉइंट है इसको बंद करने करते हैं और ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ ये लॉक है ये इस तरह लॉक करती है ये बीच वाली पार्ट में हम यहाँ पे फिल्म रखते हैं मैं डेमॉन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगी फिर हम ये देखते हैं इसका दूसरा पार्ट ये जो है ये बाइट ब्लॉक है एंटीरियर तीत के लिए ठीक है और ये जो है ये दो जो आप देख रहे हो ये होल्डिंग क्लिप से एंटीरियर तीत के लिए अभी हम देखेंगे इसका प्लेसमेंट कैसा है ये एंटीरियर तीत ले रहे हैं तो हमारा ऑक्लूजल डॉट ऑक्लूजल सरफेस की तरफ रहेगा तो ये कुछ इस तरह फिल्म प्लेसमेंट रहेगा हम यहाँ पे रखेंगे पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसके ऊपर बाइट करो ये देखो ठीक है पेशेंट यहाँ पे बाइट करेगा बाइट ब्लॉक पे और जैसे आप देखोगे ये फिल्म पीछे इस तरह प्लेस होगी फिल्म पीछे इस तरह प्लेस रहेगी एंड पेशेंट इसके ऊपर बाइट करेगा ठीक है ये देखो आप साइड से इसका कुछ इस तरह का फिल्म प्लेसमेंट रहेगा और आप ये जो मेरा पेन का डायरेक्शन है यहाँ से आप बाइसेक्टिंग एंगल के लिए जो भी एंगल एंगुलेशन देते हो पॉजिटिव एंगुलेशन बस बाई एंगल जो है बाई एंगल टेक्निक उसके जो एंगुलेशन है तो आप मैग्जिला के लिए पॉजिटिव एंगुलेशन देखिए शूट करोगे इस तरह दैट्स इट ये हो गया अपर एंटीरियर्स के लिए अब मैंडिबल के लिए कैसे करेंगे ओक्लूजल डॉट ऊपर की तरफ ये कुछ इस तरह मैंडबल में फिट होगा पेशेंट इधर बाइट करेगा ये देखो साइड से ठीक है और इसमें भी ये जो मेरा पेन है आप इसको कंसिडर करो ट्यूब हेड है ठीक है इसमें ये नेगेटिव एंगुलेशन वही सेम जो हम बाइसेप्टिंग एंगल में देते हैं वो दोगे और शूट करोगे ठीक है अब हमने एंटीरियर्स देख लिया अब हम देखेंगे पोस्टीरियर्स का कैसे है तो यूजुअली पेशेंट यहाँ पे बाइट करता है ठीक है तो अब कंसिडर करते हैं कि हमको फोर सिक्स शूट करना है ये फोर सिक्स यहाँ का मिसिंग है तो हमको ये फोर सिक्स शूट करना है तो हम कैसे करेंगे ओकलोजल डॉट मैंडिबुलर दी थे ऑक्लूज़ल डॉट ऊपर की तरफ ये इसको आप इस तरह से पकड़ोगे ठीक है ये देखो और ये लॉक से इसको फिक्स कर दोगे ये इस तरह आपको फिक्स करना है ठीक है और क्लोजल लॉट ऊपर की तरफ मैडवलर थी तो ये हमारा फोर सिक्स आग कुछ दाँत आगे कुछ दाँत पीछे ये ऐसे रहेगा अगर आपको बाइट विंग लेना है तो आप दो तरीके से ले सकते हो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल तो और वो भी आप ये स्नैपरे से ले सकते हो तो हॉरिजॉन्टल लेने के लिए क्या करना है आपको समझ लीजिए हमको इस एरिया का लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइट विंग चाहिए तो क्या करना है आपको बीचों बीच फिल्म के बीचों बीच इसको ऐसे ग्रिप को प्लेस करना लॉक लगा दो ठीक है पेशेंट को बोलना कि यहाँ पे बाइट करें और आपको सिंपली शूट करना है स्ट्रेट रख के बस एक दूसरा तरीका है वर्टिकल बाइट विंग भी लेते हैं क्यों क्योंकि आप अभी ये इमेज देख रहे हो यहाँ बीच में काफ़ी कुछ गैप हो जाता है इसका ठीक है तो, हमारे बाइट ब्लॉक का गैप आ जाता है अब देखो ये है वर्टिकल वर्टिकल एक बाइट ब्लॉक लेने के लिए आपको ये इस तरह प्लेस करना है तरीका देखो आप पहले इसको स्लैंड करोगे पेशेंट के मुंह में और फिर रखोगे एंड पेशेंट को बोलोगे बाइट करने के लिए इस तरह ये इसका प्रॉपर प्लेसमेंट है ठीक है और ये इस तरह, तरह तलोगे तो इस तरह आपका वर्टिकल आएगा ये कुछ इस तरह का उसका एक्सरे दिखेगा दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग होप आई होप आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू